सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं पुनः दक्षता उन्नयन के अंतर्गत जनवरी माह में 6, 7 और 8 जनवरी को होने वाले ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत जो प्राप्त टूल्स जो जिनके माध्यम से हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है, बच्चों का टेस्ट लेना है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, विगत वर्षों में जो हिंदी, गणित और मापन से संबंधित टूल्स हमें प्राप्त होते थे और उस टूल्स में जो जानकारी दी हुई होती थी, वो जानकारी को अभी के जो टूल्स प्राप्त हुए उसमें बदल दिया गया है। अर्थात हम ये कहें कि यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्ण जो हैं या शब्द हैं या वाक्य और कहानी की हम बात करें तो इनको बदल दिया गया है। इस तरह गणित की हम बात करें तो गणित में अंक, संख्या और जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी बदल दिया गया है। और मापन की हम बात करें तो मापन में जो जानकारी दी गई होती थी उसको भी बदल दिया गया है। साथियों, जो टेस्ट का स्वरूप है वो वैसा ही है कि हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में हमें वर्ण पढ़वाना है, फिर शब्द पढ़ाना है, फिर वाक्य और फिर कहानी पढ़ाना है, ठीक है। गणित में अंक पहचान, संख्या पहचान, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग के प्रश्नों को क्रमशः हल कराना है। प्रक्रिया वही है, स्वरूप वही है, किंतु उनके अंदर जो सामग्री दी गई है, ठीक है, जो विषय वस्तु दी गई उस अंदर की जो सामग्री को बदल दिया गया है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि हम विगत वर्षों के टूल्स को भी देख लेते हैं और अभी वर्तमान में जिस टूल्स के माध्यम से हमें बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लेना है उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण दिए हैं, शब्द दिए हैं, वाक्य दिए गए हैं और पहले क्या दिए गए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। तो साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, यहां पर पूरे पृष्ठों में, और मैं यहीं से उन टूल्स पर चर्चा करूंगा। साथियों, यहाँ फ्रंट पे आप देख रहे हैं परिवर्तित तिथियों का जो आदेश है उस आदेश देख रहे हैं। इसके पूर्व 17 से 21 दिसंबर की अवधि में हमें ऑनलाइन टेस्ट बच्चों का लेना था, किंतु उन तिथियों को बदल करके 6, 7 और 8 जनवरी को कर दिया गया। यह उसी का आदेश है, ठीक है। और इस दिशा निर्देश में सारी जानकारी हमें प्रदान की गई है। तो हम बात कर लेते हैं टूल्स की, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी। तो साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं यह ऑनलाइन टेस्ट के लिए टूल प्राप्त हुआ, वो ऑनलाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 3 से 8, ठीक है। ये भाग 1 दिया हुआ है, ये भाग 2 दिया हुआ है, ठीक है, और लिखने की जांच ये वाला, ठीक, भाग 2 में। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां जो अक्षर दिए गए हैं ये अक्षर क स द भ म प ज ल दिया है। इस तरह शब्द की हम बात करें, देखा, आया, बाल, कभी, सब, सुन, रेखा, बैल। वाक्य देखें तो शीला का एक भाई है, जंगल का राजा शेर है, नदी में बहाव तेज है, युधिष्ठिर पांडवों में बड़े थे। इस तरह हम कहानी की बात करें तो राजू के पास एक कुत्ता था से कहानी शुरू होती है और तब राजू ने कालू को गले लगाया, इस प्रकार एक कहानी दी गई है। और लिखने की जांच के लिए ज ध म र क स प ट इस प्रकार दिया हुआ है। और यहाँ शब्द भी बदल दिए गए हैं, माला, साम, मोसी, भूसा, भौरा, गोली, खाए, पिया, ये शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इस वर्ष के लिए बच्चों की जो बुनियादी दक्षता की जांच करना है हिंदी विषय की, उसके लिए हमको टूल प्राप्त हुआ है। जबकि विगत वर्षों में ऑनलाइन टेस्ट के जो टूल प्राप्त हुआ था, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो टूल मैं आपको दिखा रहा हूं ये विगत वर्षों के हमें प्राप्त हुए थे। यहां आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 3 से 8, और यहां भाग 1 के लिए दिया हुआ, ये भाग 2 के लिए। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर अक्षर दिए हैं य, ध, स, ख, च, छ, त्र, औ। इस तरह शब्द में हम बात करें तो खुल, सोना, नारियल, भूख, पौधा, दिन, पीला, सैर। और इस तरह वाक्य देखेंगे और कहानी देखेंगे, और हम देखेंगे इधर लिखने की जांच के लिए वर्णों को और शब्दों को, तो इनमें परिवर्तन है। आप देख रहे हैं इस शब्द के लिए इस वर्ष जो हमें प्राप्त हुए वो क, स, द इत्यादि ये जो वर्ण है, जबकि विगत वर्षों में य, थ, स था। इस तरह शब्द देखेंगे यहां और ये शब्द का मिलान करेंगे तो परिवर्तित है। इसी तरह यहां पर हम वाक्यों को मिलाएंगे और यहां के वाक्यों को मिलाएंगे तो परिवर्तन है। हम यहां कहानी को मिलाएंगे और यहां की कहानी को मिलाएंगे तो परिवर्तन है। इसी तरह हम देखें, मान लो
और भी विगत वर्षों के लिए जो हमें टूल प्राप्त हुए थे हिंदी के लिए, ये देखिए यहां पर मिडलाइन टेस्ट के लिए हमें जो प्राप्त हुआ था, तो मिडलाइन टेस्ट में जो वर्ण दिए गए थे वो बदले हुए हैं। यहां देखिए ये वाले और ये इसमें देखिए मिडलाइन टेस्ट में, इस तरह ये शब्द देख सकते हैं, ये शब्दों को देख सकते हैं, ये वाक्य देखिए और यहां के वाक्य देखिए, कहानी देखेंगे तो कहानी यहां है ना, इसी तरह हम देखेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट में जो जानकारी दी गई थी वो इससे भिन्न है। और इस तरह विगत वर्ष में जो हमें बेसलाइन टेस्ट के लिए जो टूल प्राप्त हुआ था उसमें भी जो वर्ण दिए गए थे वो भी परिवर्तित हैं। ठीक है, आप यहां पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं गणित विषय की। ठीक है, तो गणित विषय में सबसे पहले हम क्या करें, जो इस सत्र के लिए हमें प्राप्त हुआ है गणित विषय का टूल, उस पर चर्चा करते हैं, इसके बाद विगत वर्षों के टूल पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं ये गणित विषय का ऑनलाइन टेस्ट के लिए टूल है, या ऑनलाइन टेस्ट गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 3 से 8। ठीक है, ये भाग एक पूरा दिया हुआ है और यहां पर आप देखेंगे अंक पहचान के अंतर्गत 1 से 9 में 2, 9, 5, 4, 6, 3, 7, 8 ही दिए हैं। संख्या पहचान में 77, 25, 19, 48, 95, 62, 39, 57, 83, 11 दिया हुआ है। इस तरह जोड़ के सवाल की हम देखेंगे तो जोड़ के सवाल इस प्रकार दिए हैं, 86 धन 29 है, 19 धन 7 है, 6 धन 80, 29 धन 48, 55 धन 7, 65 धन 28। और इस तरह घटाने में हम देखेंगे 73 ऋण 58, 85 ऋण 7 है ना, 65 ऋण 7 और 57 ऋण 27 और 41 ऋण 9 और 73 ऋण 58। गुणा में हम देखें तो 77 × 5, 50 × 6, 29 × 4, 64 × 7, 69 × 2 और 87 × 8। और इस तरह भाग में देखें तो 399 / 4, 939 / 7, 715 / 8 और 437 / 3 इस प्रकार ये दिया गया है। जबकि विगत वर्षों की हम बात करें एंडलाइन टेस्ट मिडलाइन टेस्ट की, तो उनमें जो टूल में जो जानकारी है वो वर्तमान में जो टूल है, ये जो एंडलाइन टेस्ट के लिए प्राप्त हुआ है, इसमें अंतर है, परिवर्तित है। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं हम। आप देख रहे हैं ये टूल, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां देखिए एंडलाइन टेस्ट गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 3 से 8। और यहां पर जो अंक हैं आप देख रहे हैं यहां के अंक, और ये इस वर्ष ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्राप्त हुए जो अंक हैं वो ये हैं। देखिए आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। इस तरह हम संख्या की बात करें तो संख्या में भी अंतर है, हम जोड़ के सवालों की बात करें तो उनमें भी अंतर है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये विगत वर्षों का ऑनलाइन टेस्ट था गणित विषय का, और वर्तमान का ये है। और हम आगे बात करें, मान लो तो ये मिडलाइन टेस्ट में जो टूल प्राप्त हुआ था उसमें भी जो अंक हैं वो परिवर्तित हैं। ठीक है, संख्या में परिवर्तित हैं, जोड़ के सवाल भी, घटाने के सवाल भी, सभी परिवर्तित हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे साथ ही इस वर्ष जो मापन से संबंधित दक्षताओं का आकलन करने के लिए जो टूल प्राप्त हुआ है उस पर हम एक नजर डालते हैं, इसके बाद हम विगत वर्ष में जो मापन संबंधित टूल प्राप्त हुए थे उन पर हम दृष्टिपात करेंगे। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं इस वर्ष मापन से संबंधित दक्षता का आकलन करने के लिए जो टूल में जो जानकारी दी गई है भाग 2 के अंतर्गत, आप देख रहे हैं गणित विषय में ही। ठीक है, ये देखिए भाग 2 मापन संबंधित, और चित्र दिखाकर विद्यार्थी से पूछे किसमें अधिक पानी आएगा, यहां मटके दे दिए गए हैं। ठीक है, यहां बच्चे को टिक लगाना है। इस तरह यहां पर चित्र दिखाकर विद्यार्थी से पूछे किस रस्सी की लंबाई अधिक है, यहां रस्सियां दे दी गई हैं, बच्चे को यहां बॉक्स में टिक लगाना है। और इसी तरह अपने हाथ की सबसे लंबी उंगली की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में लिखें, है ना। इस तरह अपनी कक्षा के श्यामपट की लंबाई बीता या बित्ता से अनुमान लगाकर लिखें, इस प्रकार दिया हुआ है। इस तरह ज्यामिति आकृति की हम बात करें तो यहां पर ये आयत, यहां वृत्त, ये घन और ये वर्ग और यहां त्रिभुज दिया गया है। तो इस तरह ये इस वर्ष बच्चों के मापन से संबंधित दक्षता का आकलन करने के लिए टूल दिया गया है। जबकि विगत वर्षों की हम बात करें तो विगत वर्षों के लिए जो हमें टूल प्राप्त हुआ है उसे हम देख लेते हैं। तो साथियों, आप यहां देख रहे हैं ये विगत वर्षों के मापन से संबंधित टूल हैं। यहां पर देखिए जैसे कि भाग 2 के अंतर्गत यहां बकेट दी हुई है, बाल्टी दी गई है, और यहां किसमें ज्यादा पानी आएगा तो यहां बकेट दी हुई, बाल्टी दी गई है, और इस तरह यहां पर गाजर दिए गए हैं। ठीक है,
और इन गाजरों में से किसकी लंबाई अधिक है ये बता पूछा गया है। ठीक है, यहां मतलब कुल मिला के ये सब्जियां दी गई हैं और बच्चे को यहां पर लगाना था कि कौन सा अधिक लंबा है या कौन सी किसकी लंबाई अधिक है। इस तरह यहां पर हम देखेंगे तो ये उंगली की लंबाई इसमें मापा गया, एक दो चीजें हालांकि समान है। और यहां पर हम देखेंगे तो आयत वृत्त बुझ दिया गया है, हालांकि यहां पर परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप इस वर्ष के लिए जो प्राप्त टूल हुआ उसमें देख रहे हैं, और इसके पूर्व और जो हमें प्राप्त हुआ था यहां पर आप इस टूल को भी देख लें, तो इस टूल में भी यहां पर आप देख रहे हैं धारिता को मापने के लिए यहां जग और गिलास दिया गया है और किसमें ज्यादा पानी आएगा, अधिक पानी आएगा वो पूछा गया है, और यहां पर पेंसिल और रबर दी गई है और किसकी लंबाई अधिक है ये पूछा गया है। ठीक है, और अपने हाथ के अंगूठे की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में लिखे, अंगूठे के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और इस वर्ष पूछा गया है सबसे लंबी अंगुली की लंबाई है ना। अब अपनी कक्षा की टेबल की लंबाई बीता से अनुमान लगाकर लिखिए दिया गया है। इस बार अपने को श्यामपट के बारे में दिया है ना, ग्रीन बोर्ड के बारे में दिया गया है। ज्यामिति आकृति में हम देखे तो वही दिया हुआ है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, ये आयत वृत्त इस वर्ष भी दिया गया है और विगत वर्षों में भी दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको विगत वर्षों के टूल्स और इस वर्ष के टूल्स में जो जानकारी दी गई है उसमें परिवर्तन के बारे में आपको बताने का मैंने प्रयास किया। हालांकि स्वरूप वैसा ही है जैसा पहले के टूल्स में दिया गया है, उसी प्रकार का स्वरूप वर्तमान टूल्स, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम गणित की बात करें, चाहे हम मापन से संबंधित टूल्स की बात करें, सबका उसी प्रकार का स्वरूप है जैसा पहले था। तो साथियों, इस तरह से आपने विगत वर्षों के टूल्स और अभी वर्तमान के लिए एंडलाइन टेस्ट हेतु जो टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं उन दोनों को देखा और उनमें दी गई सामग्री को भी देखा। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा, और निश्चित तौर से हम अपने एंडलाइन टेस्ट में भली भांति इसका प्रयोग करते हुए हम बच्चों का टेस्ट ले सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से मैं विदा लेता हूं। अगले कालखंड में मैं किसी नई जानकारी, नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।